मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दीवा डंपिंग का धुआं मुंब्रा और दीवा के रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। इसमें से निकलने वाला ये जहरीला धुआं लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन और टीबी जैसे घातक जानलेवा बीमारी लोगों में हो रही है। डंपिंग से जो धुआं निकलता है पूरे शहर में कोहरे की तरह बना रहता है। दीवा में भी डंपिंग बंद करने को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुका है। कई नेताओं ने तो दीवा डंपिंग बंद होने की तारीख की भी घोषणा कर दी, मगर उसके बावजूद दीवा डंपिंग में कचरा अभी तक डाला जा रहा है और कचरे में आग लगने से पूरे शहर में जहरीला धुआं आपको देखने को मिलेगा। अब MIM नेता सैफ पठान ने इस जहरीले धुएं की वजह से शहर में फैल रही बीमारियों पर प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए आवाज उठाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाई आज मैं इतनी रात को लाइव आया हूँ, करीबन कुछ 1:30 बज रहे हैं। मेरी लाइव आने की बहुत अहम वजह है। अभी मैं एक शादी से बॉम्बई से आ रहा था तो मैंने शहर में देखा कि पूरा फॉग उतरा हुआ है। मैं काफ़ी दिनों से इस फॉग को नोट कर रहा था, मैं इसकी कंप्लेंट्स कर रहा था, मैंने फायर ब्रिगेड्स को कॉल्स किए काफ़ी टाइम, लेकिन ये वजह अभी आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी था। मैं इंतज़ार में था कि कब ये फॉग आएगा और इत्तेफाकन आज मैं शादी से आ रहा था और मुझे फॉग दिखा, तो मैंने कांच उतारी कि कहीं ठंडी का मौसम है उसका फॉग तो नहीं। लेकिन जैसा मेरे को जो शक था वही हुआ, जब मैंने इसकी यानी बदबू सूंघी इस धुएँ में तो मुझे जलने की बदबू आई। मैं अभी जितने भी लोग अगर मुमरा शहर से मेरा लाइव देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपनी खिड़की खोल करके इसकी बदबू को सूंघ ले, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी यानी गंदी बदबू है इसमें। ये फॉग नहीं है, ये जो डंपिंग ग्राउंड हमारे शहर को लग करके बनाया गया हमारे शहर के बीच में, उससे उठने वाली बीमारी हमारे शहर में फैल रही है, उसके लिए ये धुआं यानी पूरे शहर में फैल रहा है और एक बहुत यानी गंभीर बीमारी शहर में फैल रही है। आपने पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया रहेगा कि आपके आसपास लोगों को काफ़ी खांसी हो रही है, जो 15-15 दिन खांसी जा रही नहीं है, लंग्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, TB बढ़ रही है हमारे शहर में, तो इसकी कंप्लेंट्स काफ़ी हमने की। अभी मैं खड़ा हूँ MM Valley के उस एरिया पे। लिसान भाई जरा घुमा के बताओ ना, हम लोग ये जो पीछे 90 फीट का रोड बना है मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, आप देख सकते किस तरीके से पूरा फॉग है। मैं आया था कि डंपिंग पे जाऊंगा, वहाँ से आपको जलता हुआ डंपिंग और उससे उठते हुए धुएं बताऊंगा, लेकिन अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है और बहुत फॉग है, उससे वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे, तो मैं यहीं रुक करके बोला लोगों में अवेयरनेस तो ला दी जाए। देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत गंभीरता से सुनिए, इसका असर आज नहीं पड़ेगा आप पे, और स्पेशली जो लोग यहाँ पर ये पॉश एरिया समझ के घर लेने वाले, अल्लाह उन पर हिफाजत करे, क्योंकि डंपिंग बिल्कुल उनके पीछे है। सबसे ज़्यादा पहले बीमार उनके घर के लोग पड़ेंगे जिनके घर यहाँ होंगे। समझ में नहीं आ रहा कि इतने पॉश एरिया के पीछे शहर के बीचों बीच TMC कैसे डंपिंग दे सकती है, यहाँ के नाकारा जो नेता लोग हैं कैसा वो एक्सेप्ट कर सकते। हमने कहा इसके लिए मैंने 2 से 3 बार पहले लेटर दे चुका हूँ, अभी मैंने इसकी एयर क्वालिटी की डिटेल्स मांगी कि शहर की, ऑलरेडी फायर ब्रिगेड से मैंने माहिती के थ्रू मांगा है कि ऑलरेडी हमारे शहर का जो वातावरण यानी एयर क्वालिटी है वो ऑलरेडी यानी जो दिल्ली और मुंबई से खराब है, दिल्ली और मुंबई के जैसे खराब है, उसमें यानी डंपिंग के धुएं से शहर में बीमारी फैल रही है। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धुआं, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि जिन लोग यानी आसपास रहते होंगे MM Valley की तरफ है या जो लोग नज़दीक बाहर निकल करके रोड है, मैं अभी संजय नगर के पास से आया तो पूरा संजय नगर फायर ब्रिगेड तलक या अपना अमृत नगर पूरा धुएं में था, तो ये फॉग नहीं है, ये बीमारी फैलाने वाला धुआं है जो डंपिंग जलने की वजह से शहर में आता है, जिससे शहर में TV जैसी बीमारी, लंग्स की बीमारी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और एक COPD, ये COPD आप सर्च कर सकते हैं, ये ऐसी लंग्स की बीमारी है जो ये डंपिंग के जलने की वजह से लगती है, कचरा जलने की वजह से लगती है, और इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, ये आने वाले कुछ सालों में हमारे शहर में ना बीमारी आम हो जाएगी। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन नाकारे नेताओं से अपील करो, आप TMC में लेटर दो, मैं NGO से अपील करना चाहता हूँ, बहुत गंभीर वो है, मैं इसके लिए रात को आया हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला अगर हो सके तो मैं कल सुबह जाके आपको जलता हुआ हुआ जो डंपिंग है वो बताने की कोशिश करूँगा, अभी तो रास्ता नहीं है, लेकिन मेरी सब NGO सब जितने जिम्मेदार है शहर के उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपील करो डंपिंग हटाने की, नहीं तो आने वाले कुछ सालों में ना हमारे शहर के हर एक घर के अंदर मरीज मिलेंगे सांस की प्रॉब्लम के, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। रात को जलाया जाता है तो हर 2-4 दिन में एक बार, मैं मुसलसल यानी फायर ब्रिगेड को कॉल करते रहता हूँ कि जाके बुझाए, लेकिन मेरे एक करने से या हमारे जो साथी है किसान भाई या ऐसे और दूसरे लोग उनके फ़ोन करने से ये बंद नहीं हो जाएगा।
हम लोग सबको मिल के काम करना, ये हम सबको मिल करके पूरे शहर को मिल करके बताना पड़ेगा सिस्टम को कि भाई आपके यानी इस डंपिंग की वजह से हमारे लोग को प्रॉब्लम हो रही, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही, आसपास में अस्थमा बढ़ रहा है, टीवी बढ़ रहा है, और जो मैं COPD करके बीमारी बोल रहा हूँ वो तो इतनी खतरनाक है उसका इलाज ही नहीं है। एक बार वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपको आ गई, वो बीमारी COPD, तो आपका इलाज ही नहीं होगा। तो इसके लिए सब लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी है, ये उम्मीद से बताने के लिए कि देखो दुबे में हम इसको ये नहीं सोचे कि यानी फॉग उतर चुका है और हमारा शहर बहुत, आप उसकी स्मेल ले जब आपको बदबू आप सूंघोगे ये धुएं में आपको समझ में आएगा कि जलने की बदबू है और डंपिंग की है और ये उससे बीमारी फैल रही है। यही यानी लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि शहर को तरफ एक बहुत बड़ा खतरा हमारे शहर की तरफ आ रहा है जिसको हम सबको मिलकर खत्म करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला MIM इसके लिए आवाज़ उठाएगी, हम पर्सनली इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और हम चाहते हैं कि आवाम भी इस डंपिंग को इस शहर के बीचों बीच से हटाने के लिए, क्योंकि शहर के बीचों बीच डंपिंग ला ही नहीं सकते और इसको इस तरीके से जला करके पूरे शहर के लोगों की स्वास्थ्य के साथ खेल ले नहीं सकते। फिर भी TMC यहाँ पर धराड़े से कर रही है, आपको रीज़न पता है कि कोई नेता हमारे बीच में से बोलने को रेडी नहीं रहेगा और लोग चाहते हैं कि हमारे शहर में बीमारी आए, तो इसके लिए आप लोग हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह मैं तो इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, MIM हमारी टीम उठाएगी, आप लोगों से भी साथ की रिक्वेस्ट है और ये अवेयरनेस देने के लिए कि डंपिंग के धुएं से शहर में बीमारी आ रही है। मैं लाइव आया इसकी रात को, मैं अपना लाइव बंद करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।